मानवीय गतिविधियां अब आपके आसपास की ही नहीं बल्कि धरती की जलवायु का स्वभाव भी तय कर रही हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्रकृति के साथ मनुष्यों की इस छेड़छाड़ की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और ब्रिटेन के मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि पिछला साल यानी कि साल 2017 अल नीनो के बिना ही सबसे गर्म साल रहा है। तकरीबन 167 साल के आंकड़ों को खंगाल कर तैयार की गई यह रिपोर्ट वाकई चिंता पैदा करने वाली है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पिछला साल 1998 के मुकाबले भी गर्म था, जबकि 1998 में धरती पर तपिश के लिए अल नीनो को जिम्मेदार ठहराया गया था। हाल ही में नासा ने अपने एक अध्ययन में दावा किया था कि अल नीनो अंटार्कटिका की सालाना 10 इंच तक बर्फ पिघला रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो समंदर के गर्म पानी का बहाव अंटार्कटिका की ओर कर रहा है, जिससे वहां बर्फ पिघल रही है। आपको बता दें कि अल नीनो एक ऐसी मौसमी परिस्थिति है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग यानी दक्षिणी अमेरिका के तटीय भागों में महासागर के सतह पर पानी का तापमान बढ़ने की वजह से पैदा होती है। इसकी वजह से मौसम का सामान्य चक्र गड़बड़ा जाता है और बाढ़ व सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। चिंता इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि वर्ष 1850 के बाद के सबसे गर्म 18 सालों में से 17 साल इसी सदी के हैं। मतलब साफ है कि प्राकृतिक जलवायु प्रक्रियाओं पर अब मानवीय गतिविधियां भारी पड़ रही हैं। सांझ टीवी की खास रिपोर्ट। सांझ टीवी, सबसे आगे सबसे पहले। बने रहिए हमारे साथ पल पल की खबरों के लिए।